हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यार मैंने ये एक रेडमी का 20,000 mAh का एक पावर बैंक परचेज किया है। तो आज की इस वीडियो में हम रेडमी के इस पावर बैंक की करेंगे बिल्कुल डिटेल रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको रेडमी के इस पावर बैंक का प्राइस बता देता हूँ। इस पावर बैंक को मैंने ऑनलाइन परचेज किया है मात्र 1300 रुपये में। तो अगर आप भी इस पावर बैंक को परचेज करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में रेडमी के इस पावर बैंक का परचेजिंग लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस पावर बैंक को परचेज कर पाएंगे। तो इसके अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं इसके बॉक्स पर क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेडमी का 20,000 mAh का पावर बैंक है और ये पावर बैंक 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इस पावर बैंक में आपको दो इनपुट पोर्ट मिल जाते हैं, एक USB टाइप सी के लिए और एक माइक्रो USB के लिए। इस पावर बैंक में आपको दो आउटपुट पोर्ट मिलते हैं और इसमें एडवांस 12 लेयर की चिप प्रोटेक्शन भी दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप इस पावर बैंक की इनपुट और आउटपुट वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पावर बैंक की इनपुट वैल्यू है 12V और 1.5 एम्पीयर। और आउटपुट वैल्यू की अगर हम बात करें तो सिंगल पोर्ट में इसकी आउटपुट वैल्यू है 12V और 1.5 एम्पीयर। और अगर आप डुअल पोर्ट इसमें यूज़ करते हैं तो उसकी आउटपुट वैल्यू होगी 5.1V और 3.6 एम्पीयर। और यहाँ पर आप इसकी MRP देख सकते हैं जो है 3,199 रुपये। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया है मात्र 1300 रुपये में। इस पावर बैंक के परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस पावर बैंक को परचेज कर पाएंगे। तो गाइस, आजकल MI के फेक पावर बैंक ऑनलाइन काफ़ी सेल हो रहा है। तो आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपका पावर बैंक रियल है या फेक है, तो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप टॉप में यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड आप देख सकते हैं, तो इसे आपको सिंपली स्क्रैच करना होगा। स्क्रैच करने के बाद आपके सामने सिक्योरिटी कोड आ जाएगा जिसको आप MI की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या फेक है। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं ओपन। तो ये है हमारा Redmi का 20,000 mAh का पावर बैंक और इसके साथ हमें ये एक माइक्रो USB केबल भी दी गई है। तो गाइस लिटरली काफ़ी हैवी है ये पावर बैंक। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। तो ये है गाइस Redmi का 20,000 mAh का पावर बैंक। ये पावर बैंक गाइस लिटरली काफ़ी हैवी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पावर बैंक का फिजिकल ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप फ्रंट में Redmi की ब्रांडिंग देख सकते हैं और इस पावर बैंक के टॉप में आपको दो USB आउटपुट पोर्ट मिल जाते हैं और दो इनपुट पोर्ट दिए गए हैं, एक है माइक्रो USB के लिए और दूसरा है टाइप सी पोर्ट। और इसके बैक साइड में इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी है जैसे कि आउटपुट वैल्यू और इनपुट वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। और इसके राइट साइड में इसका ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे दिया गया है और इस पावर बैंक के टॉप में यहाँ पर LED इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। तो काफ़ी बेसिक सा डिज़ाइन है इस पावर बैंक का। तो रेडमी का ये 20,000 mAh का पावर बैंक 18W फास्ट चार्जिंग को करता है सपोर्ट। तो चलिए अब हम इस पावर बैंक को यूज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पावर बैंक की मदद से चार्ज करने वाले हैं हमारा मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर बैंक यहाँ पे फास्ट चार्जिंग कर रहा है अभी। तो जब आप इस पावर बैंक का सिंगल पोर्ट जब आप यूज़ करेंगे तो इसकी आउटपुट वैल्यू होती है 12V और मैक्सिमम 1.5 एम्पीयर इसकी आउटपुट वैल्यू होती है। जब आप डुअल पोर्ट यूज़ करते हैं, मतलब दोनों पोर्ट जब आप यूज़ करते हैं, तो इसकी आउटपुट वैल्यू होती है 5.1V और 3.6 एम्पीयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर बैंक 18W फास्ट चार्जिंग को करता है सपोर्ट। तो गाइस अगर आप भी रेडमी के इस 20,000 mAh पावर बैंक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं इस पावर बैंक का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इस पावर बैंक का परचेजिंग लिंक मैं कर दूंगा शेयर। उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस पावर बैंक को परचेज कर पाएंगे। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इस पावर बैंक को मैंने ऑनलाइन परचेज किया था मात्र 1300 इंडियन रुपीज़ में। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।